हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटीन एंड प्रोटीन टेस्ट तो प्यारे बच्चों प्रोटीन्स क्या होती है प्रोटीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है पोषक तत्व है सो व्हाट आर प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू प्रोटीन जो है बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है तो हमारे बॉडी टिश्यू को जो है प्रोटीन रिपेयर करता है प्रोटीन रिच फूड्स को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं हमारे मसल्स स्किन नेल्स हेयर और ब्लड ये सभी जो है प्रोटीन से ही बने होते हैं प्रोटीन जो है हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलती है एज प्लांट सोर्सिस आर वीन्स ग्राम्स पीस सोयाबीन्स लेंटिल्स प्यारे बच्चों जितनी भी पल्सिस होती है दालें होती है वो कहाँ से मिलती है प्लांट्स से मिलती है और सभी दालें जो है हमें प्रोटीन प्रदान करती है प्यारे बच्चों एनिमल सोर्सेज से भी हमें प्रोटीन मिलती है जैसे कि एग्स से पनीर से मीट से मिल्क से या फिश से नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन फूड किसी भी फूड में प्रोटीन जो है प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए हम कैसे टेस्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड मटेरियल इज़ टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट प्रोटीन्स गिव अ बॉयलेट कलर विद एन अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू सोल्यूशंस आर नीडेड फॉर टेस्टिंग प्रोटीन्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को जो है हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं प्यारे बच्चों किसी फूड में जो है प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं इसके लिए जो है हमें दो सॉल्यूशन चाहिए होते हैं एक तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को किसी भी फूड आइटम में हम ऐड करते हैं और वह जो है बॉयलेट मीन्स बैंगनी कलर देता है तो उसका क्या मतलब होगा आपके जो भी फूड आइटम्स होंगे उनमें क्या प्रेजेंट होगा बेटा प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे प्यारे बच्चों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम आयोडीन टेस्ट कर रहे थे उसके लिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन यूज़ कर रहे थे किसी भी सॉल्यूशन को जो है डाइल्यूट कैसे बनाया जाता है उसमें जो है पानी मिक्स करके यह जो है सॉलिड कॉपर सल्फेट है जब इसको हम पानी में घोलते हैं डिजोल्व करते हैं तो इसका जो है सॉल्यूशन बन जाता है प्यारे बच्चों अगर आपके पास साइंस लैब में कॉस्टिक सोडा जो है इस तरह सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है तब आप लोग जो हैं कॉस्टिक सोडा के सॉलिड क्रिस्टल्स को पानी में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं नाउ हाउ बी चेक प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड स्टफ़ प्यारे बच्चों किसी भी भोजन में जो है प्रोटीन है या नहीं है उसके लिए हम किस प्रकार से टेस्ट करेंगे इन ऑर्डर टू टेस्ट प्रोटीन्स द फूड शुड बी इन लिक्विड फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ अ सस्पेंशन प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हमें भोजन जो है लिक्विड फॉर्म में चाहिए होगा या तो सस्पेंशन फॉर्म में और भोजन को लिक्विड फॉर्म या सस्पेंशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड फूड एंड मैश इट विद अ पेस्टल एंड मॉटर पुट द मेस्ट सॉलिड फूड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ लिटल वाटर टू मेक अ सस्पेंशन सबसे पहले आपने जो है सॉलिड फूड लेना है उसको मैश या ग्राइंड करना है फिर उस मेस्ट सॉलिड फूड को जो है आपने टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसमें पानी ऐड करना है फिर आपके पास क्या तैयार हो जाएगा बेटा लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड या सस्पेंशन तैयार हो जाएगा फिर जो है आपने टेस्ट ट्यूब में जो है टू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और टेन ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन ऐड करनी है अगर फूड का कलर जो है वॉयलेट मीन्स बैंगनी आ जाते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ जो फूड आइटम आपने ली है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है मतलब प्रोटीन टेस्ट जो है आपके पास पॉजिटिव आया और पॉजिटिव के लिए हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं लेकिन अगर बैंगनी कलर नहीं आता है तो उसका क्या मतलब हुआ कि उस फूड आइटम में जो है प्रोटीन अबसेंट है अबसेंट का मतलब कि प्रोटीन टेस्ट जो है नेगेटिव आया और नेगेटिव के लिए जो है हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं That's all about proteins and protein test.